अल्लाह करीम ने फरमाया ला उकसिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया मैनु कसम है शहर दी। अल्लाह ने शहर का नाम नहीं लिया। बाद उलमा फरमा देने के शहर तो मुराद मक्का शहर है, बाद उलमा फरमा देने के शहर तो मुराद मदीना शहर है, लेकिन खाली के कायनात ने शहर का नाम नहीं लिया। मुतलकन फरमाया ला उकसिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया मैनु कसम है शहर दी। ये शहर केड़ा है? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने रोला मुकाया तो शेख मुहक्किक फरमाते ने चूंकि सूरत बलद मक्के विच नाज़िल हुई है, इस वास्ते शहर तो मुराद मक्का शहर है। हुन मक्का शहर दी गली दी कसम दा जिक्र खालिक कायनात ने कुरान विच फरमाया। या अल्लाह वजह की है इस गली दी कसम दा जिक्र करन दी वजह की है? इते खाना काबा है, इस वास्ते फरमाया नहीं। सफा ते मरवा दियां पहाड़ियां ने, इस वास्ते फरमाया नहीं। मुकाम इब्राहिम है या अल्लाह, इस वास्ते फरमाया नहीं। हतीम काबा है या अल्लाह, इस वास्ते फरमाया नहीं। अर्द की थी या अल्लाह फिर कसम जिक्र करने की वजह क्यों हुई की है? तो अगली आयत के अंदर खालिक कायनात ने नाल ही जवाब इरशाद फरमाया। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ला उकसिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लु बिहादल बलद। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैनु मक्के शहर दी गली दी कसम है। अर्द की थी या अल्लाह गली दी कसम दा जिक्र करने की वजह की है? इत्थे खाना काबा है, फरमाया ना खाना काबा ते पहले भी मौजूद है। अद की थी या अल्लाह सफा ते मरवा दियां पहाड़ियां ने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सफा ते मरवा दियां पहाड़ियां पहले भी मौजूद ने। हतीमे काबा है, अल्लाह ने फरमाया हतीमे काबा ते पहले भी मौजूद है, पर पहले मैं कसमां नहीं चुकिया। अर्द की थी या अल्लाह हुन कसमां दा जिक्र करन दी वजह की है? फरमाया वा अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद, फरमाया मक्के दियां गलियां च मेरा यार तुरदा है। मक्के दियां गलियां ने मेरे यार दियां तलियां चुमियां ने, फरमाया इन्हां गलियां ने मेरे यार दे कलम चुम लै ने। ते जिन्हां गलियां च यार तुरदा होवे मुहब्बत सच्ची होवे, जिथे यार दियां तलियां आ जान कसमां चुकणियां पै जांदियां ने। अल्लाह ने फरमाया मक्के दियां गलियां ने मेरे यार दियां तलियां चुम लईयां वे, इन्हां गलियां दे विच मेरा यार पिया तुरदा है। इस वास्ते मैं गलियां दियां कसमां दा जिक्र पिया करना। कौन है दिवाली दी तौर किवें दी ओदी इज्जत नू बंदे ते मन नाई सी ओते पत्थरा नू कल में पड़ौदा गया। अज़मत नूं बंदिया ते मन नाई सी ओते पत्थरा नूं कल में पड़ौदा गया। ते जावा कुर्बान मैं ओदी सोहणी चाल तो, ओ जिधरों लंघदा गया लंघ चढ़ौदा गया। कौन है दिवाली दी तौर किवें दी है? इमामे गदानी फरमा रहे कौन है दिवाली सहाबा दे नाल मदीने दी गली ते तुरदे जावे। पैसे दे रोण दियां आवाज़ां आ रहियां, सहाबा कदे सजे वेख रहे कदे खबे वेख रहे। कौन है दिवाली ने फरमाया सहाबा खैरे? अर्द की दी कमली वाले रोण दियां आवाज़ां पईयां आउंदियां ने, पर सोने रोण वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका फरमाया मैं दसां ए कौन पिया रोंदा है? अर्द की दी कमली वाले कौन रोंदा है? फरमाया मदीने दी गली दे दो पत्थर पै रोंदे ने, एक पत्थर रो के दूसरे नू कहंदा है यारा मैनू राह दे दे। जांदी वरी यार दे कदम तू चुमे सड़े, आउंदी वरी मैनू चुम लैण दे। फिर मैं क्यों ना कवां ओदी इज्जत नू बंदिया ते मन नाई सी ओते पत्थरा नू कल में पड़ौदा गया। ओदी इज्जत नू बंदिया ते मन नाई सी ओते पत्थरा नू कल में पड़ौदा गया। ते जावा कुर्बान मैं ओदी सोनी चाल तो,
लंघदा गया लंघ चढ़ोदा सिर्फ अल्लाह करीम ने यही कसम का जिक्र नहीं किया, अगे जाके खालिक कायनात ने एक कसम का जिक्र होर फरमाया। रब करीम ने फरमाया वालिदिन व मा वलद, फरमाया मेनू कसम बाप दी ते कसम ओदे पुत्र दी। जिमें अल्लाह ने शहर का नाँ नहीं ना लिया, इवें अल्लाह ने किसी भी बाप का भी नाँ नहीं लिया। बाद उलमा फरमाते हैं कि बाप तो मुराद अबुल बशर अल्लाह के नबी आदम अलैहि सलाम की जात है। बाद उलमा फरमाते हैं कि बाप तो मुराद जद्दुल अंबिया इब्राहिम अलैहि सलाम की जात है। बाद उलमा फरमाते हैं कि बाप तो मुराद अल्लाह के नबी इस्माईल अलैहि सलाम की जात है। लेकिन शेख मुहक्किक फरमाते हैं ना ना, जिमें अल्लाह ने शहर का नाँ नहीं ना लिया, इवें अल्लाह ने किसी भी बाप का भी ना, बोलो बोलो बाप का भी ना। तो अल्लाह करीम ने मुतलकल फरमाया वालिद, फरमाया मैनू कसम है बाप दी, मैनू कसम है बाप दी। बाद लमा फरमाते ने बाप तो मुराद अल्लाह दे नबी आदम अलैहि सलाम दी जात है। बाद लमा फरमाते ने बाप तो मुराद जद्दुल अंबिया इब्राहिम अलैहि सलाम दी जात है। बाद लमा फरमाते ने दुनिया वाले ओ कायनात च जाती मार लो, मेरे नबी दी अबू वर्गा अबू कोई नहीं, कौन है ते वाली वर्गा पुत्र कोई नहीं। बाप तो मुराद तेरे ते मेरे नबी दे बाबे दी। लेकिन शेख मुहक्किक फरमाया ना ना, अल्लाह ने मुतलक फरमाया वालिद, मेनू कसम है बाप दी, मेनू कसम है बाप दी। सारा कुरान पढ़ के देखिया ने, अल्लाह ने कुरान च मां दियां शानां ते बयान कीतियां ने, पर पूरे कुरान च अल्लाह ने मां दी कसम दा जिक्र नहीं कीता। जदों चिट्टी दाड़ी वाले बाबे दी वारी आई, फरमाया वालिद मेनू कसम है बाप दी, फरमाया मेनू कसम है बाप दी। अल्लाह करीम ने कायनात दे हर बाप दी कसम उठा ली, फरमाया चिट्टी दाड़ी वाले बाप दा हया करी। अब्बा तेरा लगदा है कसमां मैं पिया चुकना। असी दुनियादार हो के किसी आम चीज की कसम का जिक्र नहीं करते, आम चीज की कसम नहीं चुकते। उस बाप की की शान है जिंदियां कसमां दा जिक्र रब कुरान च पिया करदा है। इत्थे जिहदे सिर ते बाप होवे ओ जानदा है कि बाप दा साया कितना बरकतां वाला है, ते जदों बाप दा साया सिर तों उठ जाए। इसे बात कड़ी दा बाबा ते कह गया बावां दे विच ए हरियल तोता, इत्थे फिरदे ताली ताली जिन्ना बाते मर जान माली, ते फिर अल्लाह यो ना दावाली। एक कला बाप योदा जड़ा दस पुत्रा नो पाल दाए, आज भी जाके देखे आजे बाप गोमा ते चढ़ के कम कर दाए। चिट्टी दाड़ी वाला बाप जाके मजदूर वाले अड्डे च खलोता योदा है, पूछिया जे बाबा तू अड्डे च की लैने आया, बाबा तू ते बड़े रायो गए कमाई क्यों करना है। चिट्टी दाड़ी वाला बाबा आखेगा की गला मेरिया बेटिया जवान ने, मैं की गला मेरे पुत्र जवान ने बेटिया की शादी करनी है, मेरे पुत्र जवान ने अपने पुत्रों की शादी करनी है। एक बाप है जड़ा पूरे टब्बर दियां राखियां कर लाए, मुसलमान जो बाप का साया उठ गए ओनू पुछ के वेख दी सिर ते बाप वर्गी ने मती ना आयो है। जेड़े अपने बाप की कमर ते मट्टी पा के आ गए उन्होंने इंज लगता है जिन्हें घर दियां सारियां खुशियां कब्रस्तान दफन करके आ गए। औलादा फिर रो के कहदियां ने तुर गए यार ये मोहब्बत वाले, इत्थे नाल ही लै गए हासे ओ दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद उन जाइए के।
ਸਾਡੀ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਅਗਰ ਪਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਾਪ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਪ ਬੜੀ ਅਦੀਮ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਬੜੀ ਅਦੀਮ ਦੌਲਤ ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ ਇਹਦੇ ਅੱਤ ਬੇਲੀ ਵੀ ਬੇਲੀ ਓ ਬਾਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਸੁਣੀ ਪਈ आइए मैं हदीस पाक दी रूह ना अर्ज करा नबी करीम अलैहि सलातु वसलाम ने भी बाप दी अजमत नु बयान कीता मेरे नबी ने बाप दे मुकाम नु बयान कीता मेरे नबी ने बाप दी शान नु बयान कीता ए जेड़े अथरू पे बहांदे ने ना इन्हां नु पता है कि इन मापियां दी शान की है मुसलमाना अज एक बाप होवे सुबह नु काम ते जावे ना ते सुबह जान लगियां औलाद दे छोटे छोटे बच्चे होण ते बाप दा दामन पकड़ के कहंदे ने अबू जी काम ते चलियो ते शाम नु फलां चीज लेके आया जे बाप सारा दिन काम करदा है ते काम तो छुट्टी होंदी है ते सारे लोग घरां नु आउंदे ने लेकिन बाप बाजार वाले जांदा होंदा है कोई पुछे यार सारे दिन दा थके हैं हुण बाजार वाले की लैण चले हैं ते बाबा रो के आखेगा सुबह जो काम ते आउं लगा सा मेरी धी ने फलां चीज मंगी सी मेरे पुत्र ने फलां चीज मंगी सी और मैं ते अपनी औलाद दियां फरमाइशां पूरियां करन चले हां ते मुसलमान जिन्हां दे बाप सिर तो तुर जाना ते फिर जो खाली हाथ वीर घर आवन ते दुखी तियां कंधी लग के रोंदियां ने मुसलमान फिर उन्हां लोगों के खिलौने ते नजर लैंदी पर अपने लैके देने वाला कोई नहीं आउंदा नबी करीम ने बाप की अजमत नु बयान फरमाया अज दुनिया हज करन जांदी है लोग जाके खाने काबे दा गिलाफ पकड़ के कहंदे ने काबे वाले राधी हो जा कोई सफा मरवा दे चक्कर ला के कहंदा या अल्लाह राधी हो जा कोई हतीमे काबा च खलो के कहंदा या अल्लाह राधी हो जा 6 लाख रुपया ला के हज करके आ पर तेरे कोल कोई गारंटी नहीं कि तेरा रब तेरे ते राधी होया कि नहीं होया पर कौन है दिवाली फरमाया तेनू मैं दसा रब किवें राधी आउंदा है अर्ध की कमली वाले रब कि राधी आउंदा है मेरे आका ने फरमाया सुबह उठ के चिटी दाड़ी वाले बाप का चेहरा वेख ले जे तेरा अपा राधी है समझी अल्लाह भी राधी है कौन है दिवाली ने बाप की रजा नहीं अल्लाह की रजा आखिया मेरे आका ने फरमाया जे तेरा बाप राधी है समझी खुदा भी राधी है इस बाबे नु मलाद ना करी मुसलमान उस दिन पता लगेगा जो तो बाप की मदी कड़िया में चुक के लैके जावेगा मेरे ते उस्ताद ही मुकर्रर फरमा दे कि ओ ही वेला आया औलाद छोटी होवे ते बाप ना नहीं उठाते औलाद जवान हो जे जवान हो के मुंडे मापिया नु झिड़का मार दे ने मेरे उस्ताद ही मुकर्रर फरमा दे चिट्टी दाड़ी वाला एक बाबा है बाबा अपने पुत्र नु लैके बाजार च खड़ा है ते पुत्र नु कहंदा पुत्र आ सामने तार ते की है पुत्र कहंदा बाबा जी का बैठा है बाप ने दूजी वारी पुछिया पुत्रा तार ते की है पुत्र कहंदा अप्पा जी का है जदो बाप तीजी वारी पुछिया पुत्र कहंदा सुनया नहीं जांदा मैं ते पुत्रै वारी आखिया तार ते का बैठा है चिट्टी दाड़ी वाले बाप दियां अखां चो अथरू आ गए कहंदा पुत्रा अपने बचपन का जमाना याद कर ले अज तू जवान हो गया मैं दूजी तो तीजी बार पुछिया ते झिड़का पिया मारना है एक ओ वेला सी तेरे बचपन का जमाना सी मैं तेनु कदियां दी उठा के खड़ा सा पुत्रा मैं ते तीजी बार पुछिए मैनू झिड़का पिया मार वे तेरे बचपन का जमाना ते तू 100 बार पुछिया मैं ते 100 बारी दसदा रिया पुत्रा जिनी बारी पुछिया मैं उन्नी बारी दसदा रिया अज कई औलादा जवान हो के मापियां नू झिड़का मार दिया वे मेरे बाप ने मेरे लिए कीता की है मैं कहंदा नी मां इस बाप नू दाना ना मारी तू कहना तेरे बाप ने तेरे लिए कीता की है अज जेड़ी खुली च रहना तेरे बाप ने बनाई आ तेनू बुड़कियां पा के तेरे मुंह च तेरे बाप ने जवान कीता है यही तेरा बाप है जड़ा दिन रात तेरे नाल ते तेरे नखरे उठादा रिया है
आड़े पता लगेगा जो बाप की मंजी चुक के कमरा बल लेके जाएगा। इसे बात कड़ी का बाबा ते कह गए आदरदार हुन खाली खाने घर बिच दखल मकाना ये महबूबा ते मुश्किल बच दिया जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अपने बुढ़े बाप की शिकायत लेके आया, आके कहना सोनिया मेरे बाप नु बुलाओ। मेरे आका फरमाए खैर है कमली वाले मैं कमाई करना ते सारी कमाई लिया के बाप दी तली ते रखना, मेरा बाप मेरे को पुछदा नहीं ते मेरी कमाई नु खर्च करदा है। सुनिया बुला के पुछो ते सही मेरे नाल इन्हें दा सलूक क्यों करदा है। नबी करीम ने सहाबा नु फरमाया सहाबा जी सोना फरमाए जाओ जाके इहदे बाप नु बुला के ले आओ। सहाबा कहंदे ने असीं बाप नु बुलाया ना है ना ते असीं आके वेख्या चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा, चिट्टी दाढ़ी कमर झुकी ते ऐन करके लाठी पकड़ी है। औलादा ना फरमान निकल आउण ते मापे वक्त तो पहले बुढ़े हो जांदे ने, औलादा ना फरमान निकल आउण मापे वक्त तो पहले कबरी पै जांदे ने। चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा ते कमर झुकी, सहाबा आके फरमाया बाबा चल तेनू कमली वाला पिया बुलांदा ही, अज किसे दा महफल चो उमरे दा टिकट निकले ते लुड़ियां पौंदा मैनू मदीने वाले ने बुलाया है, ते उस बाबे दे दिल दा की हाल होवेगा जिन्हू वाकई कमली वाले ने बुलाया है। ना बई ना जे तुसी ना बोलियो तुहानू नजर ना लग जाए भाई, उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह। उस बाबे दे दी की कफियत है जिन्हू वाकई हुजूर ने बुलाया है। सहाबा के फरमाया बाबा चल तेनू कमली वाला पे बुलांदा है। बाबा लाठी टेकदा टेकदा हुजूर दी बारगाह विच आया ना ते बाबे ने आके वेख्या बाबे दा पुत्र भी हुजूर दी बारगाह च खड़ा है, ते बाबा कहंदा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, सुनिया मैनू क्यों बुलाया है। मेरे आका फरमाया बाबा तेरा पुत्र तेरी शिकायत लैके आया है। तेरा पुत्र कहंदा मैं कमाई करना ते लिया के बाप दी तली ते रखना ते मेरा बाप मेरे को पुछदा नहीं ते मेरी कमाई नू खर्च करी आउंदा है। इन्नी गल बाबे ने सुनी ते बाबे दीआं अखां चों अथरू आ गए। इधर बाबा रोया ते आसमाना तो जबरील भी आ गए। वो बुढ़े मापियां दा रोना खुदा कोलो वेख्या नहीं जांदा। तो जबरील ने आके अर्ज कीती मदीने दिया माहिया इस बाबे ने ना अपने दिल विच अपने पुत्र वास्ते कुछ अरमान सजाए ने। इस बाबे नू आखो वो शेर ते सुनावे जिहड़े पुत्र ने लिखे सो। ते कमली वाले आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी सुना पुत्र वास्ते की लिखी है। बाबा कहंदा सुनिया मैं ते अजे किसे नू नहीं दसिया ते मैनू ते पहले ही पता सी तू दिलां दीआं जानण वाला है, अज पक्का यकीन हो गया तू वाकई दिलां दीआं जानण वाला रसूल है। मेरे आका फरमाया बाबा दस पुत्र वास्ते दिल च की अरमान सजाए नहीं, ये ते किसे चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे नू बिठा के पुछी ना ते बाबा दसेगा मैं कल नू पुत्र दी शादी करनी है, मैं पुत्र की शादी करनी है, मैं फलां काम भी करना है, मैं फलां काम भी करना। बाप बड़ी लंबी लिस्ट सुनावेगा जी मैं आवी काम करने न। पर उस नमाने नु की पता कि एक करन तो पहले पहले मेरी मंजी मेरी औलाद के कंधियां ते आ जानी है। बाप बड़ियां तरी ना सोचता अपनी औलाद वास्ते। मेरे आका फरमाया बाबा वो सुना ते सही जेडे दिल च पुत्र लई अरमान सजाए नहीं। ते बाबा बोल के कहते मदीने वालिया मैं जवान सा कमली वालिया मेरी शादी होगी मैं दवावा करदा रे या अल्लाह पुत्र दे दे सिख पुत्रां दी ए दाढ़ी होगी इत्थे कह गए लोग सियाणे ते कर कर उजर बहाने। बाबा कहंदा सुनिया मैं जवान सा मेरी शादी हो गई मैं अल्लाह दी बारगाह च दुआवां करदा रे या अल्लाह पुत्र दे दे रब्बा पुत्र दे दे कमली वालिया रब्बे करीम ने मेरिया दुआवां नू चार चन्न ला दिते अल्लाह करीम ने मैनू पुत्र अता कीता पुत्र दीआं खुशियां मेरीआं खुशियां बन गईआं। सुनिया दिने वी लाड उठादा रिहा कमली वालिया राती वी पुत्र दे नां दी उठादा रिहा। अगर मेरा पुत्र हसदा रिहा ते वेख के मैं वी हसदा रिहा, अगर मेरा पुत्र रोंदा रिहे वेख के मैनू वी रोणा आ जांदा रिहे। बाबा कहंदा कमली वालिया बड़े नाज़ां दे नाल पालदा रिहा वा, मेरा पुत्र जवान हो रिहा ते मैं वडेरा हो रिहा ते मेरे दिल नू तसल्ली है जिवें मैं पुत्र पालिए जिवें मैं पुत्र दी
ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਵਾਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਵਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਮਰੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਰੋ ਕਰਤਾਰ ਰੋਏ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਵਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗਿਰੇ ਬਾਣ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਜੂੜਾ ਮਾਰਿਆ नौजवान का गिरे बाण पकड़ के जदूड़ा मारिया फरमाया बुढ़े बाप की शिकायत लेके आने वाले रब की कचहरी के जज का फैसला तवज्जो फरमाओ भाई बाकी तकरीर तुहाड़ी मेरी उधारी रह गई मैं आखिर ते हजरत दाहिया कलबी वाला वाक्य अर्ज कर रहा अजमत बाप इतना तवील मौजू है अगर मैं सारी रात इस बाप की अजमत बयान करा तो बाप की अजमत ना मुखे है ये बाप ते होवे जिदी जुदाई ने तेरे ते मेरे नबी दियां अखां च भी अथरू दे दिते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप की अजमत नूं बयान फरमा दें मेरे आका अपने बचपन के जमाने में अपने बाप की कबर ते हाजरी दे के आए इमाम दारमी सुनन दारमी के अंदर पहली जिद पहली हदीस पाक की नकल फरमाई नबी करीम बाजार च जा रहे ना मेरे आका ने सोहना जिहा नौजवान वेखिया ये माशाल्लाह ये अज की जिहड़ी महफल है ना इहदी रिकॉर्डिंग तुहानूं यूट्यूब तो बड़ी सोहनी मिलनी है क्लीयर आवाज अच्छा रिजल्ट ये जिहड़े मेरे भाई ने ना मास्टर निसार साहब इन्हों का यूट्यूब से पेज बने हैं तो कल परसों तक इंशाल्लाह यूट्यूब से भी यारी दी माफल आ जाएगी अल्लाह करीम आप दी मोहब्बत भी सलामत रखे तवज्जो फरमाओ भाई नबी पाक अलैहि सलाम ने सोहना जिहा नौजवान वेखिया ते हुजूर ने अल्लाह दी बारगाह हाथ उठा के अर्ज़ की या अल्लाह एडा सोहना बनाइए किधरे दोज़ख दा बालन ना बन जाए मैं तेरा नबी दुआ करना हजरत दाहिया नूं ईमान दी दौलत अता फरमा मुहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं खुदा जाने खुदा से वो क्या मांगते हैं वो कदे रोंदा रहा जाके गारां दे विच कदे रोंदा रहा बह के यारां दे विच जिंदगी सारी सोहना नबी मुस्तफा साडी बख्शिश लई रब नूं मनाउंदा रहा उते इतना करीम नबी है जिहड़ा गुलामां दी बख्शिश दीआं दुआवां दिन रात ही करदा रहा हजूर ने दाहिया कलबी नूं वेख्या ते दुआ कीती या अल्लाह इन दोजख दा बालन ना बना दई मैं तेरा नबी दुआ करना इन ईमान दी दौलत दे दे राती हजूर ने दुआ कीती सुबह फजर दा वेला दा हजूर निमाज पढ़ के मुसल्ले ते बैठे दाहिया कलबी ऐन करके ना पब्बां दे पार नबी करीम दी बारगाह विच आ रिहा मेरे आका फरमाया दाहिया दी सोना फरमाया पूरा पैर थले नहीं लाउंदा कमली वाले अल्लाह दी छोटी छोटी मखलूक कोलों पिया डरना किधरे मेरे पैरों थले आके मर ना जाए मेरे आका फरमाया खुदा दी छोटी छोटी मखलूक दा ख्याल ते आ गई जमाने जहलीयत दे अंदर जिहड़ी बेटी जिंदा दफन कीती आ उस धी दा तैनूं कदे ख्याल नहीं आया कमली वाले जदों बेटी दा ख्याल आउंदा मेरा दिल खून दे आंसू रोंदा है अदी तने ग्रामीए कदर मैं आपकी मोहब्बत नूं सलाम पेश करना तुम हथां नाल ये कुछ मेरे को मिसटेक हो गई है कुछ थोड़ी जी थोड़े को भी हो गई है तो जरा इस साल ये मामला बन गया है तो आइंदा साल इंशाल्लाह मैं पिछले सारे धोने धो के जावांगा भाई मेरा हाजी साहब ना वादा रह गया तवज्जो फरमाओ दाहिया कलबी हजूर की बारगाह में आया मेरे आका फरमाए फिर उस धी की गल सुना जिन्हों जिंदा दफन किया ही तो दाहिया कलबी कहता सुने जमाने जहलीयत लोग धियां ना प्यार नहीं करते जिदे घर भी धी आ सफे मत विच जाता है तो मैं कबीले वाले का सरदार हाँ तो मैं धी देता मैं जाके जिंदा दब के आना तो 70 धियां अपने हत्थां नाल जिंदा दबियां तो कमली वाले आ
मेरे घर भी औलाद पैदा होने वाली ते मेरी बी मैं बीवी नूं जांदी वार वसीयत की मुख्तलिफ मुल्कां च काम करना ना ते तजारत दा काफला लेके चले हा ते जांदी वार मैं बीवी नूं वसीयत की जे मेरे मगरों धी जमी ते जिंदा ही दब दई जे पुत्र जमिया ते पाल लई कहिंदा पंज साल मुख्तलिफ मुल्कां दे काम कीते पंज साल दे बाद मैं आके दरवाजा खड़काया ना एक छोटी जी बची ने दरवाजा खोलिया मैं बची वल वेख के कहना तू कौन है बची मेरे वल वेख के कहती है तू कौन है कहना सोनिया मैं बची नूं आख्या मैं घर दा मालक हाँ इन्नी गल की थी ते बची ने लत्तां नूं जफा मारिया ते जफा मार के कहती जे तू घर दा मालक है मैं घर दे मालक दी धी हाँ कहता सोनिया मेरिया अखा चो खून उतर आया अरब के लोगों के ताने मार के मार देना है कि साड़िया तिया ते जिंदा दबिया ही अपनी बेटी पाल के जवान की थी या दहिया कल भी कहता सोनिया मैं बीवी नू आके होने बच्ची नू गुसल करा मैं आज ही जिंदा दफन करके आवा तू क्यों नहीं दबिया ते बीवी रो के कहती तिया मामा दियां आंदरा होंदियां ने मैं किवें जिंदा दफन कर दी कहता सोनिया मैं बीवी नू आके होने गुसल करा इनू नवे कपड़े पवा मैं आज ही जिंदा दफन करके आवा सिहाबा दा जम्मे गफीर जो गुसल करा के नहीं मैं बच्ची नू लैके तुरिया मेरी बीवी ने हाथ जोड़ने ताइया मारी ना ते मां दी जान अगर मेरी बेटी मर गई ते मां जिंदा ही मर जाएगी तेरे घरों परानी बन के रवानगी वे दहिया मेरी बेटी नू मारी ना कहना सोने मैं बीवी नू धक्का मारिया बच्ची नू लैके तुरदा जा रहा बच्ची मेरे ना गल्ला कर दी बाबा बाबा कर दी बच्ची रो के कहती बाबा मेनू नानके लेके चलिया है वे बाबा नवे खिडौने लेके देने चलिया है कहना सोने बच्ची बाबा बाबा कर दी बच्ची दे नाल बोल गई नहीं मैं बच्ची नू लेके जंगल भी आने लाके च आ गया बच्ची नू धुप्पे बिठा के बच्ची दी कबर भी आ कढ़ना कहता कमरी वाली मैनू पसीना आउंदा है ते बच्ची अपना कपड़ा लेके मेरा पसीना साफ कर दी है ताले कदी पापा चल घर चल रहे हैं बाकी कम कल करांगे आपा तू सफरां तो थके आए मेरी मां दरवाजे च मेरिया रावा वेखदी होनी है कहता सोनिया मैं बच्ची नू कहना भला बह जा कम कर लैण दे सोनिया बच्ची धुप्पे बैठी नी मैं बच्ची दी कमर कढ़दा रहा जदों कमर तैयार होई मैं बच्ची नू आवाज मारी बच्ची दौड़दी मेरे मन आ रही बाबा सीने लएगा बाबा लाड लडेगा कहता कमड़ी वाली बच्ची मेरे करीब आई मैं धक्का मारिया कबर च गिर गई ओ लादा वाली गले जा फट जांदा है अज भी अद्धी रात वेले बाप कम तो ना आवे पुत्र सो जांदे ने बेटी रवा वेखदी अज भी रात बेटी नू नींदर नहीं आउंदी मेरा बाबा नहीं आया ए मौत दा वेला तेरे ते भी आउणा ते मेरे ते भी आउणा है जदों आखरी वेले मदियां चुकियां जांदियां ने यार ते बेली कहंदे ने जनाजे दा टाइम हो गया है उस वेले तियां मती दा पावा नहीं छड़दियां उहनां नूं पता मती खाली होणी है तेरी ते बादशाही मेरे अब्बे नाल है अज वी बाप छिड़क मार के बेटी नूं घरों कढे शाम दा सूरज नहीं डुबदा बाबे ते बूबे आ जांदी है कोई पुछे दिए सुबह ते बाप ने झिड़का मार के कढ़िया है ते तीन होके कहंदी फिर की करा मेरा चमन वाला है तियां कदे मापिया दे बूबे नहीं छड़दियां अगर पुत्र प्यार करदा तेरी कोठी दी वजह तो करदा है पुत्र तेरे मकान दी वजह तो करदा है पुत्र प्यार करे तेरे कारोबार दी वजह तो करदा है इक्को ही बेटी है जिन्हों लालच कोई नहीं बेलोल प्यार कर दी है दाइया कल भी कहना कमड़ी वालिया मैं बच्ची ते मिट्टी पान लग पिया बच्ची ने ऐ करके निक निक हाथ जोड़ ले रो के कहती अब्बा मारी जे मेरी सूरत चंगी नहीं लगी तेरे सामने नहीं आवांगी पर बाबा मारी ना
तू शादी करेगा तेरे को समान नहीं मंगदी बाबा मारीना इको जोड़े की जिंदगी को दार देवांगी बाबा मारीना कदा सोने मैं बच्ची ते मिट्टी पादा रिया ते बच्ची रोके कदी बाबा तिया ना नहीं जे नहीं करीदा तरस नहीं आता मैं मिट्टी पादा रिया ते बच्ची कहती बाबा मैनो मार के जाई तसली करके जाई पर जांदी बनी दस के जा मैं नमाणी दा कसूर की कहना सुनिया कोई गल ना सुनी मैं मिट्टी पादा रिया जो सारी बच्ची दफनी हो गई बच्ची दा सर रह गया बच्ची ने आसमान वल निगाह उठा ली ते रो के कहती रब्बा जे तिया ने इहदी मरना सानो पैदा ही क्यों करना है ते बच्ची रो के कहती रब्बा मैं सुनिया है तेरा एक नबी आन वाला है मैं सुनिया तेरा एक रसूल आन वाला है जिन्हें आके तिया नु इज्जतां देनिया ने बच्ची रो के कहती आन वाले आदरा जल्दी आ जा तिया मर चलिया ने आन वाले आदरा जल्दी आ जा दुखी तिया तेरिया रावां पईयां वेखदियां भाइया कल भी कहना सोने मैं बच्ची ते मट्टी पा के कबर बनाया या हुन रात नु सौना ते बाबा बाबा दियां वादा आउंदियां सोने रातां दी नींदर उड़ गई है दिल दा करार उड़ गया है मेरे आका गल सुन के सारो कतार रोए भाइया कल भी गल सुना के चुप कर गया मेरे आका फरमान लगे एक बारी फिर उस धी दी गल सुना दे जड़ी मोहम्मद दियां रावां वे बेटी दा मुकद्दर बयान कीता मेरे आका फरमाया हूं तो साडी बारगाह विच आया है साडी जात रहमत लिल आलमीन ने 70 गुनाह ते की 70,000 गुनाह भी कीते होणगे रब साडा सदका माफ करेगा फिर नबी करीम ने फरमाया जिन्हों रब दो तियां देवे उन्हां नूं पाल पोस के जवान करके शादी करके विदिया करे मेरे आका ने ऐन करके दो उंगलां बुलंद कीतियां फरमाया जिहड़ा दो तियां पाल के जवान करके शादी करके विदिया करेगा ना जिवें दो उंगलां नाल ने इंज जन्नत विच मुहम्मद दे नाल होवेगा हातम ताई दी बेटी हजूर दी बारगाह च कैदन बन के आई हजरत उमर फारूक दे करीब खड़ी है सिर तो दुपट्टा लै गया मेरे आका फरमाया उमर जी सोना फरमाया बेटी दे सिर तो दुपट्टा दे सोनिया काफर दी बेटी है फरमाया उमर ती होंदी है जे मुहम्मद अपनिया तियां दे सिर नंगे नहीं वेख सकता मैं गैरां दियां तियां दे भी सिर नंगे नहीं वेख सकता जिस वेले तशरीफ ले आया वह कुल आलम दा वाली तियां नूं भी इज्जतां मिलियां ते भर गए कासे खाली सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह किसे नूं मान दौलत ते किसे नूं है इबादत ते ऐ सुनिया नूं सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह बमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम मिराज दी रात आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सवारी ला मकाना वल जा रही हजूर ला मकाना दियां सहरां करन जा रहे जन्नत सज गई हूरां सज गईयां सारे इहतमाम हो गए ते हूरां दी सरदार ने ना सारियां हूरां नूं कट्ठियां कर लिया ते कट्ठियां करके कहती नहीं सोना मिराज ते आ रहे है चलो नाले ते सरकार दा इस्तकबाल करिए ते नाले हजूर दे सिरे पड़िए ते जिहड़ा इस्तकबाल हजूर दा हूरां दी सरदार ने कीता ओह इक आशक ने शेरां दी सूरत दे अंदर नकल कीता ते हूरां दी सरदार कहती आ सारिया हुरानी नबी दल मिल से लगाइए आओ सारिया हुरानी नबी दल मिल से लगाइए तो रात मेराज दिए कंबली वाले दी ज़ियारत पाइए आना रब दया च मेहमान सयो कुल नबियां दा सुल्तान सयो नी आना रब दया च मेहमान सयो कुल नबियां दा सुल्तान सयो ओनू सदिए रब रहे मान सयो चल करन सलामी जाइए आओ सारिया हुरानी नबी दा रल मिल से लगाइए अल्लाह पाक ने अर्श सजाए ने दर जन्नत दे खलवाए ने अल्लाह पाक ने अर्श सजाए ने दर जन्नत दे खलवाए ने आज अर्श अहमद आए ने नी अज जो मंगिए स
बसेरा गाइए रब सदिया समोने कल कल के चलो सुत रख लो ये ना मल के नी रब सदिया समोने कल कल के चलो सुत रख लो ये ना मल के ओदा इस्तकबाल करो चल के वड्डी शान दे नाल ले आइए आओ सारिया हुरानी नबी दारल में बसेरा गाइए ओ आदि असवार पुरा किए ओ ते सिर ते ताज लौला किए नियो आदि असवार पुरा किए ओ ते सिर ते ताज लौला किए ओ हो देखो सरदा साकिए नियो हो देखो सरदा साकिए नियो हो देखो सरदा साकिए चलो चल के प्यास बुझाइए आओ सारिया हुरानी नबी दार अल मिल से रागाइए उतो रात में राज दिए कमली वाले दी ज्यारत पाई।